वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने कल पढ़ा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। पिछले साल जो नीट में आया था, नीट में जो क्वेश्चन आया था वो आया था इसी में, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज इट सेज, ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एफ इज इक्वल टू सी एक्स। हमारे पास एक पार्टिकल है विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू सी एक्स। इसका मतलब है जो हमने फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में लगाया, एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, कहां से पार्टिकल चला, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। इसका मतलब है कि पहले मेरा पार्टिकल जो था वो ऑरिजिन पे था, ऑरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है, तो कहां पर चला, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, बॉडी फोर्स जो है दैट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स। उसका मतलब है जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, एक्स, एक्स डायरेक्शन में। बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो डिग्री, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन। लेट्स डू, लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हाउ विल सॉल्व, हमारे पास एक पार्टिकल है, दिस इज ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन है, यहां पर जो एक्स है दैट्स जीरो, दैट इज जीरो, ठीक है। यहां पर मैंने इस पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स जो मैंने अप्लाई किया दैट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू सी एक्स। ये सी जो है सी कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल चला अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, से दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है एक्स वन। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पर जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर है, x1। मुझे निकालना है वर्क डन, ठीक है ना। मैंने कल पढ़ा वेरिएबल फोर्स के लिए जो मैंने फार्मूला निकाली, मैंने वो कल पढ़ी, क्या पढ़ा मैंने, w इज इक्वल टू, शाबाश, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f डॉट dx, ठीक है ना। अगर y डायरेक्शन में होगा देन इट विल बी y1 टू y2 f डॉट dy। देखो बेटा कैसे करेंगे हम, एफ जो है दैट इज सी एक्स गिवन, एफ जो मेरा है दैट इज सी एक्स। ऐसा ही ऐसी न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आई थी, एफ कितना है सी एक्स, एक्स जो है वो जीरो है कामा एक्स का दूसरा वैल्यू जो है वो क्या है, एक्स वन, ठीक है। इसका मतलब है जो ये एक्स वन है वो जीरो है, जो एक्स टू है वो किसके बराबर है, एक्स वन के बराबर, ठीक है। yes, आपको क्या निकालना है, W, वर्क डन। मेरी तरफ देखो प्लीज, आपको W निकालना है। आपको वेरिएबल फोर्स के लिए फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है बेटा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f डॉट dx। प्लीज सी हियर, जब फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में होगी तो एंगल जो होगा वो कितना होगा, जीरो डिग्री। हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे बेटा, ठीक है। ये होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f dx cos 0 डिग्री। Why cos 0? क्योंकि फोर्स भी उधरी से, डिस्टेंस भी उधरी से, तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1। तो आपको W निकलेगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f dx, एफ डी एक्स, वेरी इजी। अब वैल्यू दे दो, W निकलेगा आपको इंटीग्रेशन, बोलो x1 किसके बराबर है, जीरो, बोलो x2 किसके बराबर है, x1। ये हो गया इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट जीरो टू x1, है ना, x, x1 के बदले यहां जीरो, x2 के बदले क्या है, x1। तो ये अपना W इज इक्वल टू जीरो टू x1, यानी x का जो वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम जीरो टू x1। f का वैल्यू दे दो, f कितना है, cx, साथ क्या है भाई, dx, यानी ये है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो बेटा c जो है वो कांस्टेंट है, वी विल टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, W इज इक्वल टू c, मैंने कॉमन निकाला,
इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू एक्स, ठीक है ना, एक्स डी एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है जब आपने एलिमेंट्री मैथ पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। इंटीग्रेशन में जो पावर होता है वो इंक्रीज होता है वन से, डिवाइड होता है न्यू पावर, ठीक है। यहां इस एक्स का कुछ नहीं पावर है, इसको क्या रखेंगे पावर वन, ठीक है। ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इसकी सी, सी बाहर है, ठीक है ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वन प्लस वन। अब लिमिट है क्या, क्या लिमिट है, जीरो टू एक्स वन, जीरो टू एक्स वन, ये लिमिट है, लिमिट ऐसे देते हैं ना, जीरो टू एक्स वन। ये क्या बनेगा बेटा, शाबाश, ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू सी बेटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बिटवीन लिमिट जीरो टू एक्स वन। टू जो है इसको यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये क्या आएगा हमें, शाबाश, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा W is equal to C by 2, ठीक है ना, x square between limits 0 to x 1। पहले हम कौन सा लिमिट देते हैं, अपर लिमिट, यानी पहले हम, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, पहले हम x के बदले क्या लिखेंगे x 1, उसके बाद दरमियान में माइनस, फिर x के बदले क्या लिखेंगे 0। ये बनेगा W is equal to C by 2 को हम ऐसे लिखेंगे 1 by 2 C, कोई फर्क, C by 2 को ऐसे लिखेंगे 1 by 2 C, कोई फर्क है, नो, ये into X के बाद लिखेंगे X1 whole, X1 square, ठीक है ना, minus, ठीक है ना, limit, अब कौन सा limit लिखेंगे, 0, ये हो गया 0 square, 0 square जो है that is 0, ठीक है ना, ये बनेगा आपका जो answer आएगा, that will be W is equal to 1 by 2 C X1 square, 1 by 2 C X1 square, फिर देखो, f किसके बराबर है, सी एक्स, लिमिट दिए गए हैं x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x1, इसका मतलब है x1 है 0 x2 क्या है x1, w निकालना है, w के लिए फार्मूला है w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f डॉट dx, क्योंकि फोर्स भी उसी साइड में है, डिस्टेंस भी उसी साइड में, एंगल थीटा जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, ये है इधर dx, ठीक है ना, ये है f dx cos ऑफ 0, cos 0 हो गया 1, ये निकलेगा w is equal to limits between integration between limits x1 to x2 f dx, ठीक है ना, f का वैल्यू देंगे cx dx, c को कॉमन लेंगे, w निकलेगा आपको c integration between limits 0 to x1, क्योंकि x1 0 है, x2 जो है वो x1 है, ये बनेगा x dx, क्योंकि x का पावर क्या है 1, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n किसके बराबर होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, वही मैंने किया x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 को मैंने कहां लिया, 2 को मैंने बाहर लिया, ये बना c / 2 x स्क्वायर बिटवीन लिमिट 0 टू x1। अब x के बदले क्या लिखा बेटा x1, माइनस क्या लिखा 0, उसके बाद x का क्या वैल्यू लिखा, उसके बाद x का क्या वैल्यू लिखा 0, हो गया x1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आया, क्योंकि 0 स्क्वायर हो गया 0 ही, तो आपका वैल्यू जो आया दैट इज w इज इक्वल टू 1 / 2 cx1 स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आई, ऐसा ही न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आई थी नीट में। रीड्स ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स मतलब हो गया वो फोर्स जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, F is equal to 7 minus 2x plus 3x square newton. Force kitna hai? F kitna diya gaya hai? Shabash. 7 minus 2x plus 3x square. Acts on a small body. Ye force kis pe act hua? Ek small body pe. Jiska mass kya hai? 2 kgs. Jiska mass kitna hai? 2 kgs. And displaces it from x is equal to 0 तो x is equal to 5 meters, यानी पहले बॉडी कहां थी, ओरिजिन पे, तो x1 का वैल्यू कितना है 0, तो कितना दूर ले लिया ओरिजिन से 5 meters, जो x2 कितना हो गया 5, इसका मतलब है लोअर लिमिट जो है वो 0 है, अपर लिमिट जो है वो क्या है 5, आपको निकालना है वर्क डन इन जूल्स, ऐसे इंटीग्रेशन कर रही है वर्क डन इन जूल्स, ठीक है। अब यहां पर भी फोर्स जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, फोर्स क्या है फंक्शन ऑफ x,
इसका मतलब है जो फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान एंगल होगा कितना होगा जीरो डिग्री, कितना होगा एंगल जीरो डिग्री, ठीक है ना। तो वहां पर भी कॉस जीरो किसके बराबर आएगा वन, ठीक है। लेट अस डू दूसरे बारे का, हमारा फोर्स किसके बराबर है, एफ दिया गया है, कितना दिया गया है शाबाश, सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। बेटा यहां देखो फोर्स है सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बॉडी जो मेरी है वो पहले कहां पर है, ऑरिजन पे, यहां पर है एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑरिजन, यहां पर बॉडी है, यहां पर इस बॉडी को ये फोर्स लगाया मैंने, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी चली ऑरिजन से कितना दूर 5 meters, यानी ये बॉडी यहां पर पहुंची और यहां पर जो x का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 5 meters, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 meters। तो हमें दिया गया है x इज इक्वल टू जीरो एंड शाबाश x इज इक्वल टू 5 meters, x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू 5 meters। इसका मतलब है बच्चों जो आपका x1 है वो है जीरो, जो आपका x2 है वो क्या है 5। आपको बेटा w निकालना है, क्योंकि ये फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स है, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल हियर x, क्योंकि यहां x का क्या वैल्यू है जीरो, यहां क्या x का, तो x का वैल्यू चेंज होता है, जब x का वैल्यू चेंज होगा फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा, सो दिस इज व्हाट फोर्स वेरिएबल फोर्स। क्योंकि फोर्स भी उसी साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड में, तो थीटा कितना होगा जीरो। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा फार्मूला, डब्ल्यू होगा फिर किसके बराबर, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f dx, क्यों होगा f dx, बेसिकली होगा f डॉट dx, तो उसको डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, ये होगा f dx cos 0, cos 0 क्या है 1, तो ये क्या बनेगा w is equal to integration between limits x1 to x2 f dx, ठीक है। अब हम f का वैल्यू देंगे, ठीक है, तो दे दो f का वैल्यू, w is equal to integration between limits, बोलो बेटा x1 क्या है जीरो, बोलो बेटा x2 क्या है 5, बोलो बेटा f क्या है शाबाश 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू क्या है dx। देखो अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 7 को अलग करेंगे, देखो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा w इज इक्वल टू, पहले किसकी इंटीग्रेशन करेंगे 7, ये ऐसे बनेगा 0 टू 5 7 dx, यहां से इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 7 dx माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 2x dx, माइनस आया ना ये फार्मूला का, ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस है इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 शाबाश 3x स्क्वायर dx, पहले आएगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 7 dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 2x dx, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू 5 3x स्क्वायर dx। कोएफिशिएंट जो है वो इंटीग्रल से बाहर आते हैं, कोएफिशिएंट जो है ना वो क्या आते हैं इंटीग्रल से बाहर, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा w इज इक्वल टू 7 को बाहर ले लो, 7 को बाहर लिया, ये बनेगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 dx, 2 को बाहर ले लो, ये बनेगा माइनस 2 इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 x dx, ठीक है ना, यहां से क्या ले लो बाहर बेटा, क्या ले लो बाहर 3, ये बनेगा प्लस 3 बाहर लिया इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 x स्क्वायर dx, ठीक है x स्क्वायर dx, बात समझ आई, आगे जाएंगे हम बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, है ना, इस x को पावर कुछ नहीं, इसको पावर क्या रखेंगे 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये बनेगा w इज इक्वल टू 7 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट क्या है बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5, ठीक है बेटा माइनस 2, बोलो बेटा x x x रेज पावर 1 को क्या होगा इंटीग्रेशन, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 वो कितना होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x raised to power 2 divided by 2, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x raised to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, 1 plus 1 कितना हो गया 2, divide क्या आएगा 2, between limits क्या है शाबाश 0 to 5, plus 3
बेटा देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स रेज टू पावर 2 + 1 2 + 1 3, ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1, वो कितना हो गया 3। लिमिट क्या होगा 0 to 5। या तुम चुप रहो, इसे एक्स स्क्वायर आगे इंटीग्रेशन, इसे एक्स रेज पावर 1 इंटीग्रेशन क्या थी, एक्स रेज टू पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो 1 + 1, यानी अतिथ्यूस इंटीग्रेशन की दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बिटवीन लिमिट 0 टू 5 प्लस यतिथ्यूस इंटीग्रेशन की सीधी एक्स रेज टू पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3 और 66 पर तो ब्रो गिवन w इज इक्वल टू 7। पहले अपर लिमिट लिखेंगे ठीक है ना, वो क्या है 5 ठीक है ना, माइनस पहले एक स्टेप और करेंगे, एक स्टेप और करेंगे w इज इक्वल टू 7 x बिटवीन लिमिट 0 टू 5, यहां से ये 2 बाहर लेंगे, ये होगा -2/2 है ना, -2/2 ठीक है ना, x स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 प्लस इस 3 को बाहर लेंगे 3/3 x क्यूब बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5। एक स्टेप और चला जाएगा, ये हो गया w इज इक्वल टू 7 x बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 2 और 2 कैंसिल, ये बनेगा x स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 3 एंड 3 कैंसिल, ये बनेगा प्लस x क्यूब बिटवीन लिमिट्स 0 टू 5 ठीक है बच्चा, है ना 2 और 2 कैंसिल 3 और 3 कैंसिल। अब दे दो लिमिट, पहले कौन सा लिमिट दोगे अपर लिमिट, दरमियान में माइनस, फिर कौन सा लिमिट लोअर लिमिट, ये बनेगा w इज इक्वल टू 7 पहले x के बदले 5 फिर -0 हो गया फर्स्ट टर्म सॉल्व, माइनस उसके बाद x के बदले पहले क्या देंगे 5, ये हो गया 5 स्क्वायर -0 स्क्वायर लोअर लिमिट, प्लस उसके बाद है x का वैल्यू क्या है 5 लेकिन ऊपर क्या है क्यूब, ये होगा 5 क्यूब -0 क्यूब। यहां देखो पहले अपर लिमिट x का वैल्यू 5 उसके बाद -0 उसके बाद माइनस x का वैल्यू क्या है 5 हो 5 स्क्वायर -0 स्क्वायर प्लस उसके बाद x का वैल्यू क्या है 5 5 क्यूब -0 क्यूब ठीक है ना। अब सॉल्व करो, दिस इज w इज इक्वल टू 7 इनटू 5 -5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, क्योंकि 5 स्क्वायर -0 हो गया 5 स्क्वायर ही, 5 क्यूब -0 हो गया 5 क्यूब ही, तो सॉल्व करो this is w is equal to 7 5s are 35 minus 5 5s are 25 plus 5 5s are kitna ho gaya 25 25 into 5 kya ho gaya 125, ye banega w is equal to yahan pe 100 aayega 125 minus 25 that's 100 to aapka answer aayega 135 joules। aapne seedhe alag alag integration ki, baaki rule same hai, baat samajh aayi, this completes this। The work done by a force F is equal to -6x³ I। I किस एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, लेते हैं हम x एक्सिस, इसका मतलब है जो फोर्स है उसको मैंने कहां से लगाया x एक्सिस। अब आपका फोर्स जो है नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट एक्सर्टेड अपॉन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज एक्सर्टेड अपॉन नेगेटिव x एक्सिस, है ना, क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या है -6x³ I, this force is applied along negative x axis। देखो displacing, in displacing a particle from x is equal to 4 to x is equal to -2, यानी यहां देखो ये फर्ज करो ऑरिजिन है, पहले आपका पार्टिकल जो है वो यहां पर है, यहां पर x is equal to 4 पे, ऑरिजिन से कितना दूर है 4 मीटर, अब उसको 4 मीटर से हमने डिस्प्लेस किया, कहां लिया तो इधर लिया हमने x is equal to -2 meters, आपकी इनिशियल पोजीशन जो है वो 4 मीटर्स, फाइनल पोजीशन जो है वो क्या है -2 meters, फाइनल पोजीशन क्या है वो है 4 तो x is equal to -2 meters। अब देखो बॉडी को फोर्स मैंने कहां से लगाया नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होता तब जो आपका जो बॉडी है ये यहां जाती, तो ये तो यहां हो गया ना, क्यों यहां चलेगी, कैसे गई इनसाइड, बिकॉज़ मैंने फोर्स जो है वहां ही अप्लाई किया ठीक है ना, तो मुझे वर्क डन निकालना है, x1 कितना है 4, x2 कितना है -2, तो चलिए लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। f दिया गया है कितना है भाई
एफ है, वेक्टर एफ है माइनस सिक्स एक्स क्यूब आई कैप, ठीक है ना, आई कैप है बेसिकली। इसका मतलब है जो आपका एफ एक्स होगा, एफ एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो किसके बराबर है, माइनस सिक्स एक्स क्यूब, क्योंकि एफ का बेसिकली एफ किसके बराबर है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड ए। तो आपका जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है, माइनस सिक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स क्यूब, ठीक है, ठीक है बेटा, माइनस सिक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। एक्स कितना है दिया गया है, कितना है, फोर मीटर, उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है एक्स का, माइनस टू मीटर, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। तो एक्स का वैल्यू है फोर मीटर, उसके बाद क्या है, माइनस टू मीटर। आपको क्या निकालना बेटा, वर्क डन, ठीक है, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू के लिए फार्मूला है, क्या है फार्मूला, शाबाश, एफ डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि फोर्स किस 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 साइड में लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, चाहे आप एफ डी एक्स लिखो चाहे आप एफ एक्स डी एक्स लिखो। वहां पर हम क्यों लिखते थे एफ डी एक्स, क्योंकि वहां सीधे एक्स दिया था, देयर वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। यहां पर मैंने एफ एक्स क्यों लिखा, बिकॉज यहां जो मेरा फोर्स है दैट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। तो वैल्यू दे दो, हाँ, लिमिट होगा एक्स वन टू एक्स टू, समझाई बात। ये बेसिकली एफ एक्स है, एफ एक्स बेसिकली एफ है, ठीक है ना। मैंने क्यों यहां एफ एक्स लिखा, क्योंकि मुझे यहां कंपोनेंट निकालना है ना, माइनस सिक्स एक्स क्यूब आई दिया गया है, ठीक है ना। तो वैल्यू दे दो आप, डब्ल्यू हो गया बराबर, बोलो एक्स वन कितना है, फोर, बोलो एक्स टू कितना है, माइनस टू, बोलते नहीं हो, बोलो एफ एक्स कितना है, माइनस सिक्स एक्स क्यूब डी एक्स, बस सिंपल, सिक्स माइनस सिक्स जो उसको बाहर करो, दिस इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स को मैंने बाहर लिया, ये बना इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स फोर टू माइनस टू एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू पावर, शाबाश, थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई, थ्री प्लस वन कितना हो गया, डिवाइड क्या होगा, ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा नजर रखो माइनस सिक्स इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स फोर टू माइनस टू एक्स रेज टू पावर थ्री, सॉरी ये बनेगा ऐसे w इज इक्वल टू माइनस सिक्स इंटीग्रेशन करो ये होगा एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है वन से, डिवाइडेड बाय होता है न्यू पावर, ठीक है ना, थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन, बिटवीन लिमिट्स क्या है, लिमिट क्या है फोर टू माइनस टू, ठीक है बेटा। तो w किसके बराबर बनेगा बेटा आपको, माइनस सिक्स एक्स रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर बिटवीन लिमिट्स फोर टू माइनस टू। अब यहां करो, हम यहां करेंगे इसको, डब्ल्यू हो गया बराबर माइनस सिक्स बाय फोर, माइनस सिक्स बाय फोर, माइनस सिक्स बाय फोर इंटू एक्स रेज टू पावर फोर बिटवीन लिमिट्स फोर टू माइनस टू। अब पहले कौन सा लिमिट देंगे, अपर लिमिट, वो क्या है, माइनस टू, ये हो गया w इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फोर, पहले अपर लिमिट दे दो, ये गया माइनस टू रेज टू पावर फोर, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट दे दो, ये हो गया माइनस फोर रेज टू पावर फोर, ठीक है बेटा। w इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फोर, पहले अपर लिमिट, माइनस टू रेज टू पावर फोर, क्योंकि पावर क्या है, इवन, लिहाजा माइनस जाएगा कन्वर्ट किस में, प्लस में, ये हो गया टू रेज टू पावर फोर, दैट इज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू आर फोर, फोर टू आर एट, एट टू आर सिक्सटीन, ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाई फोर सिक्सटीन माइनस, ये हो गया फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन, दैट इज टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, ठीक है सर, टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स। तो आपको W आया माइनस सिक्स बाय फोर इंटू टू हंड्रेड फोर्टी। अब फोर से इसको, फोर वन साल क्या है, हाँ माइनस टू हंड्रेड फोर्टी, डब्ल्यू हो गया माइनस, माइनस इज प्लस, दिस इज सिक्स बाय फोर इंटू टू हंड्रेड फोर्टी, फोर वन साल फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, दिस इज W इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी जूल्स।
اکوی چیز یاد تھاؤن ہت لگان ایف ڈی ایف ڈی ایکس یہ لوگ مے تاز یہ کمن مز فورس یہ فورس کمپوننٹن مز تلا کیا کمپوننٹن مز یہ آئی تھی یہ پی مے اردو کرن انگریزی کرن تاز یہ ویڈیو بنا یہ پی کشر کم کر تہوار سمجھ ہت بہشر کران کوچنگ سینٹر مجھے تشر کر زیادہ یہ پی کشر کم کر تہوار سمجھ سمجھ آوا آئی پلس تھری جے نیوٹن ڈسپلیس دا باڈی بائی ٹو آئی مائنس جے میٹرس دا ورک ڈن بائی دس فورس ان جولس از دیکھو ایف کس کے برابر ہے فائیو آئی پلس تھری جے آپ لکھو ایف از اکول ٹو فائیو آئی پلس تھری جے ایف کس کے برابر ہے شاباش فائیو آئی پلس تھری جے نیوٹن تو ڈسٹینس کتنے بیٹا شاباش ڈسپلیس اے باڈی بائی شاباش ٹو آئی مائنس جے ایم میٹرس تو ایس لکھو ٹو آئی مائنس جے میٹرس آپ کو ورک ڈن نکالنا ہے یو ہیو ٹو کیلکولیٹ وٹ ورک ڈن دیکھو کیسے کریں گے سمپل کوسچن ہے یہ اس کو انٹیگریشن نہیں ہے یہ سیدھے ہے کوسچن لیٹ اس کے برابر ہے ایف کس کے برابر ہے فائیو آئی پلس فائیو آئی پلس تھری جے نیوٹن دیکھو بیٹا فورس ہے فائیو آئی پلس تھری جے نیوٹن یعنی آپ کا جو فورس ہے وہ کمپوننٹ فارم میں ہے کس میں ہے تو اگر ہم اس فورس کو کمپوننٹ فارم میں لکھیں گے یہ ہو گیا ایف از اکول ٹو ایف ایکس آئی پلس ایف وائی جے ٹھیک ہے بچہ ایف ایکس آئی پلس ایف وائی چونکہ یہاں خالی ٹو ڈائمینشن ہے آئی اور جے یہ تو نہیں ہے تو ایف ایکس کے بدلے کیا ہے فائیو ہے نا ایف ایکس جو ہے وہ آئی کا کوئیفیشنٹ ہے یہاں آئی کا کوئیفیشنٹ کیا ہے فائیو تو ایف ایکس جو آپ کا ہے دیٹ از فائیو ایف وائی کتنا ہے بیٹا آپ کا تھری دیکھو یہاں جے کا کوئیفیشنٹ کیا ہے تھری یہاں جے کا کوئیفیشنٹ کیا ہے اور یہاں جے کا کوئیفیشنٹ کیا ہے ایف وائی تو کمپیئر کرو نا ایف وائی کے بدلے کیا ہے یہاں پر تھری ایف ایکس کے بدلے یہاں پر کیا ہے فائیو اب آگے ویکٹر ایس یعنی ڈسپلیسمنٹ ویکٹر وہ کس کے برابر ہے شبش ٹو آئی مائنس جے دیکھو بیٹا اگر ایس کو ہم کمپوننٹ فارم میں لکھیں گے یہ ہوگا ایس از اکول ٹو ایس ایکس آئی ٹھیک ہے پلس ایس وائی جے نظر رکھو اگر کمپیئر کرو گے آپ تو ایس ایکس کے بدلے کیا ہے ٹو ہے نا ایس ایکس کے بدلے کیا ہے ٹو ایس ایکس تو ٹو ہے آپ کا جو ایس وائی ہے وہ ہے مائنس ون چونکہ جے کو جو ملٹی پلائی ون ہے اور ساتھ کیا ہے مائنس تو اس کا مطلب ہے ایس وائی کس کے برابر ہوگا مائنس ون آپ کو ڈبلو نکالنا ہے W کا آپ کو فارمولا پتا ہے کیا ہے بیٹا W is equal to پرسوں لکھایا تھا FX SX plus شبش FY SY plus ہوتا FZ SZ مگر ہمارے پاس Z کمپوننٹ نہیں ہے ہمارے پاس خالی ٹو ڈائمینشنز X اور Y تو W کس کے برابر ہوگا FX SX plus FY SY لگاؤ بھائی ویلیو W ہو گیا آپ کا برابر بولو FX کتنا ہے 5 into SX کتنا ہے 2 پلس ایف وائی کتنا ہے 3 انٹو ایس وائی کتنا ہے مائنس 1 تو ڈبلو بن گیا آپ کو 10 مائنس 3 تو ڈبلو آپ کا بن گیا 7 جولز سمجھائی بات بیٹا ایف از اکول ٹو اتنا ایف ایکس از اکول ٹو ایف ایکس آئی پلس ایف وائی جے کمپیئر کیا ایف ایکس کے بدلے کیا ہے 5 ایف وائی کے بدلے کیا ہے 3 ایس کو لکھا ایس ایکس آئی پلس ایس وائی جے کمپیئر کیا کیا نکالا ایس ایکس اور ایس وائی اس کے بعد ڈبلیو کی فارمولا ہے کمپوننٹ فارم ہے ایف ایکس ایس ایکس پلس ایف وائی ایس وائی پلس ایف زڈ ایس زڈ چونکہ زڈ والا کمپوننٹ یہاں نہیں ہے تو ہم نے ویلیو دیے ہمیں ڈبلیو نکلا کتنا نکلا بچہ 7 جولز اوکے بہت بیوٹیفل ہے وین اے ربر بینڈ ہے آپ کے پاس کسی کے پاس ربر بینڈ ہے مجھے دے دو ربر بینڈ از سٹریچڈ یہاں دیکھو when a rubber band is stretched by a distance x when a rubber band is stretched by a distance x it exerts a restoring force of magnitude f is equal to ax plus bx square to f kitna hai ax plus bx square aap likh sakte ho f kitna hai ax plus bx square ax plus bx square where A and B are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band, by L
इज गिवन बाय बाय एलिस, ये दिस इज अनस्ट्रेच्ड, है ना अनस्ट्रेच्ड। देखो जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, ये ना मैंने स्ट्रेच, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, वापस छोड़ा, ये क्या आया आपस में, वापस आया ना अपनी जगह। पहले मैंने इसको जब खींचा, मैंने इसको फोर्स लगाया, दिस कॉल्ड स्ट्रेचिंग फोर्स। जब मैं इसको स्ट्रेचिंग फोर्स लगाऊंगा, इस रबर बैंड के अंदर एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है अपोजिंग फोर्स? वो क्या काम करता है? वो इस रबर बैंड को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या लाता है, वापस। उस फोर्स को कहते हैं क्या, हम रेस्टोरिंग फोर्स। देखो ये रबर बैंड है, कोई फोर्स नहीं इस पे। जब मैंने इसको खींचा, उस खींचने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स से इसकी लेंथ क्या हुई, इंक्रीज, इंक्रीज हुई ना। जब मैंने वापस छोड़ा इसको, इसमें क्या डेवलप होगा, एक किस्म का फोर्स, उसको क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। वो इसको वापस रेस्टोर करता है, अपनी जगह क्या लेता है, वापस, ठीक है ना। उस फोर्स को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उस फोर्स को, रेस्टोरिंग फोर्स। वही रेस्टोरिंग फोर्स दिया गया है, ठीक है ना। लेट अस डू इट, नो साइड टॉक्स। एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये ऐसे है, ये मेरा रबर बैंड है ऐसे। देखो बच्चा, ये मेरा रबर बैंड ऐसे है, रबर बैंड, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, ठीक है। ये अनस्ट्रेच्ड है। जब मैंने इसको खींचा, जब मैंने इसको फोर्स लगाया यहां से, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। ये रबर बैंड जो है, इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज। ये लेंथ क्या हुई, इंक्रीज। जैसे इंक्रीज हुई, यहां से एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, जो अपोजिंग फोर्स इस रबर बैंड को अपनी पोजिशन पे क्या लेता है, वापस लेता है, ठीक है ना। उस फोर्स को क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, विच ब्रिंग्स दिस रबर बैंड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सपोज यहां पर जो आपका है, यहां पर आपका एक्स जीरो है, क्या है, एक्स जीरो, ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, अनस्ट्रेच्ड, जब मैंने ओपन रखा इसको, कोई फोर्स नहीं लगाया, ये कौन सी पोजीशन है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना, दैट फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट, रेस्टोरिंग फोर्स। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई बाय एल, तो यहां से कितना लेंथ मैंने इसको इंक्रीज किया, एल। मुझे निकालना है मुझे कितना वर्क करना पड़ा, वी हैव टू डू दिस वर्क अगेंस्ट व्हाट फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच दिस रबर बैंड From x is equal to zero, तो यहां पर आपका x कितना होगा, L के बराबर। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है बिटवीन लिमिट जीरो टू L, क्योंकि मैंने खींचा इसको टू ए डिस्टेंस L, तो मुझे वही वर्क डन निकालना है, किसके खिलाफ वर्क डन निकालना है, रेस्टोरिंग फोर्स के, ठीक है ना। तो बेटा आपका x है पहले जीरो, यानी इनिशियल पोजीशन वहां नहीं दिया गया, लेकिन हमने निकाला x is equal to zero, and final position जो है वो क्या है, x is equal to L, ठीक है। तो निकालो बेटा w, W होगा आपको बराबर इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f dx, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स x1 टू x2 f dx, क्योंकि x एक्सिस में है ना फोर्स, तो थीटा जो है दैट जीरो, का जीरो इज वन। अब वैल्यू दे दो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो x1 किसके बराबर है, किसके बराबर है, जीरो, x2 किसके बराबर है, L। F का वैल्यू दे दो क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब यहां से इंटीग्रल से मल्टीप्लाई दे दो, करो उधर से किससे करो, डी एक्स, तो ये बनेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू एल ए एक्स डी एक्स, है ना बेटा, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू एल ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू एल शाबाश bx square dx, integration between limits 0 to L bx square dx, a को बाहर ले लो, w निकलेगा आपको शाबाश, a तो बाहर लिया, integration between limits 0 to L, ठीक है ना, x dx, ठीक है बेटा, plus b को बाहर निकालो, integration between limits 0 to L x square dx, w हो गया a, integration between limits 0 to L x dx plus b को बाहर निकालो, integration between limits 0 to L x square dx, यहां x का पावर हम सीधे मान देंगे, ठीक है बच्चों। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप integration खुद बताएंगे, this is a, इसकी integration क्या होगी, x raised to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, 1 plus 1 कितना हो गया 2, ये बनेगा x square
डिवाइडेड बाय 2 बिटवीन लिमिट्स 0 टू L प्लस B। अब बड़े हो गए आप, इंटीग्रेशन बताओ, x रेज पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये बनेगा x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 बिटवीन लिमिट 0 टू L। इसकी इंटीग्रेशन x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, x रेज पावर 1 प्लस 1 हो गया 2, दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसकी क्या बनेगी x रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3। तो अब लिमिट दे दो, पहले कौन सा लिमिट दोगे, शाबाश अपर लिमिट, उसके बाद क्या दोगे लोअर लिमिट। तो w आएगा आपको a, देखो बेटा x के बदले क्या l, ये हो गया l स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 2 जो है ये 2 इसको बाहर लेंगे a बाय 2, a बाय 2 2 को बाहर लेंगे, ये हो गया l स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर प्लस यहां से किसको बाहर लेंगे 3 को, ये क्या बनेगा b बाय 3। अब x के बदले क्या लिखेंगे l, ये हो गया l क्यूब माइनस 0 क्यूब। देखो बेटो w मिलेगा हमें, w मिलेगा हमें a a डिवाइडेड बाय 2, देखो l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर वो कितना हो गया l स्क्वायर है, दिस इज l स्क्वायर प्लस b बाय 3 l क्यूब। तो आपका आंसर जो वो ऐसे होगा a l क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस a सॉरी a l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। समझ आया कैसे किया मैंने इसको, समझ आया मैंने सीधे क्या इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू एल, क्योंकि पहले ये अनस्ट्रेचेड था, अनस्ट्रेचेड जब था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये अनस्ट्रेचेड हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो 0, पता लोम में आत्मस को डिस्प्लेसमेंट पोद कोता को डिस्प्लेसमेंट पोद एल, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन की, दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल पोस्चर। एफ है इस साइड में वर्टिकल एक्सिस में, पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल किस में मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन, वेन इज विद डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी यहां दी गई है डी, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर्स इन जूल्स इज, ठीक है, हमारे पास फोर्स दिया गया है, ये फोर्स एक्ट होता है एक पार्टिकल को, जो पार्टिकल किस में चलता है स्ट्रेट लाइन में, हमें निकालना है वर्क डन, जो मुझे इस फोर्स को करना पड़ेगा अप टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट मीटर्स 12 मीटर्स। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को हम, क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ याद रखना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा ग्राफ शाबाश, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखो बेटा मेरी तरफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो एक ग्राफ है जो दिखाता है हाउ द फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस, हाउ द फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस। ग्राफ में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, फर्ज करो एक्स और वाई, इसी तरह यहां पर हमारे एफ है फोर्स है और क्या है डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो फोर्स होता है इस फोर्स को हम प्लॉट करते हैं अलोंग वर्टिकल एक्सिस, यानी इस साइड में हम फोर्स देते हैं, क्या लेते हैं फोर्स, इस साइड में हम डिस्टेंस देते हैं या डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, दिस इज फोर्स इन न्यूटन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, या फोर्स इन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर्स, ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड एज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है मैं पहले वो इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको इस ग्राफ की क्या दिखाऊंगा इंपॉर्टेंस। देखो बच्चों फॉर एग्जाम्पल मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल माई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज लाइक दिस, इट्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, यहां पर फोर्स का कोई वैल्यू होगा, सपोज यहां पर जो फोर्स का वैल्यू है दैट इज एफ वन, ठीक है, यानी यहां से यहां तक आपका फोर्स जो होगा वो कितना है एफ वन, ठीक है बच्चा। हम कुछ एक चीज में यहां प्रूव करूंगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल बाद में आपको खुद आएगी। ये स्ट्रेट लाइन जो है दिस इज अ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, मैं दिखाऊंगा जो फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है जो वो ग्राफ अपने अंदर एरिया कवर करेगा वो एरिया होता है बराबर डिस्टेंस वर्क, किसके बराबर होता है वर्क, मैं दिखाऊंगा वर्क डन, ठीक है ना, इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कैसे दिखाऊंगा
यहां से यहां तक कितना फोर्स है? F1. सपोज इस ग्राफ पे मैं दो पॉइंट लूंगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है बेटा? इस पॉइंट ए से मैं यहां एक परपेंडिकुलर डालूंगा डिस्टेंस एक्सिस को, इसको रखूंगा ए सी नाम। सपोज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स वन, ठीक है? यहां पर दूसरा पॉइंट लिया, क्या लिया? बी। सपोज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स टू, ठीक है? यहां से यहां ऑरिजिन से सी तक जो डिस्टेंस है वो एक्स वन या वो है एस वन, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या लिया मैंने? एस टू, ठीक है ना? ठीक है, बिटवीन पॉइंट ए टू बी इस ग्राफ ने कौन सा एरिया कवर किया? विच इज द एरिया विच इज कवर्ड बाई दिस ग्राफ? जरा दिखाओ मुझे, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर दिस फोर्स टाइम ग्राफ। क्या है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ? दिस इज ए बी सी डी, ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर हमारा एरिया अंडर फोर्स टाइम फोर्स डिस्टेंस ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी। अरे भाई देखो ना, जो शेडेड पोर्शन जो एरिया है ये कवर करिए, दिस इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, ठीक है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया अंडर ग्राफ, व्हिच ग्राफ? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ, दैट मींस दिस इज इक्वल टू ए सी है लेंथ, ठीक है ना, इनटू ब्रेडथ क्या है? सी डी। प्लीज सी है ए सी, ओ से यहां तक कितना है? एफ वन, यानी फोर्स। तो इसका मतलब है सी से ए बी कितना हो गया? एफ वन, ठीक है ना? तो ये हो गया एफ वन, ठीक है ना? इंटू इंटू सी से डी तक कितनी डिस्टेंस है? यहां से यहां तक कितना? एस टू। यहां से यहां तक कितना? तो ये हो गया एस वन माइनस एस टू माइनस एस वन। सी डी कितना हो गया? एस टू माइनस यहां से यहां तक कितना? एस टू। यहां से यहां तक कितना? हमें सी डी निकालना है। सी डी हो गया ओडी माइनस ओ सी, दैट इज एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन। एफ वन क्या आपका? फोर्स इंटू एस टू माइनस एस वन क्या आपका? डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वर्क। फोर्स इंटू डिस्टेंस किसके बराबर है? तो वर्क जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस। वर्क जो होता है दैट इज ऑलवेज फोर्स, दैट इज एरिया अंडर व्हाट? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जब आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस करने होंगे, वर्क निकालना होगा, आपको देखना है जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है इसके अंदर कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया इसने कवर किया है। What is the area which is covered by this force displacement graph? Yeah. The area of that force displacement graph is equal to one. ठीक है ना? ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर है। समझाई बात? देखो बच्चों, तो आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, इस साइड में मैंने प्लॉट किया फोर्स के वैल्यूज, इस साइड में क्या वैल्यूज किए मैंने प्लॉट? डिस्टेंस। यहां ऑरिजिन है, यहां डिस्टेंस जो है दैट इज जीरो। यहां पर कितनी डिस्टेंस है? थ्री। यहां पर कितना है? सेवन। यहां पर कितना है? ट्वेल्व, ठीक है। यहां पर कितना फोर्स है? टू न्यूटन, ठीक है ना? दिस इज फोर्स इन न्यूटन। आपको निकालना है वर्क डन ज्यूरिंग इट इज ज्यूरिंग इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन 12 meters, यानी आपको निकालना है जो वर्क डन किस डिस्प्लेसमेंट तक हुआ, 12 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट तक जो वर्क डन हुआ, बॉडी को घुमाने, पार्टिकल को घुमाने, कहां से? ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस तक? 12 मीटर्स तक। आपको वही वर्क डन निकालना है। मैंने वही बताया आपको, वर्क डन किसके बराबर होता है? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। देखो बच्चा, यहां पर हम देखेंगे यह है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये क्या क्या आया आपको भाई, क्या क्या आया आपको? ये एक तो रेक्टेंगल है, दूसरा क्या है? ट्रायंगल। यहां देखो, एरिया अंडर फोर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो इस वक्त है दैट इज रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। मैं इसको नाम भी दे सकता हूं ए
बी सी डी ई, ठीक है, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा, दिस एरिया विच इज अंडर फोर्स डिस्टेंस ड्रॉप, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना। मैं सिंपली लिखूंगा वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डोंट टॉक एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो वर्क होता है दैट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एफएस ग्राफ। यहां पर क्या उसने एरिया कवर किया? रेक्टेंगल। और क्या कवर किया? ट्रायंगल। ओके, हियर डब्ल्यू इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है शाबाश, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, ए बी शाबाश सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है शाबाश, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है ना। जो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। डब्ल्यू हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हो गया सी डी यानी लेंथ या ब्रेड, इंटू क्या है ए सी, हम लिखेंगे दिस इज ए सी इंटू सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ ऑफ बेस, क्या है बेस डीई, डीई इंटू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बीडी, अरे बेस क्या है डीई, परपेंडिकुलर क्या है बीडी इंटू बीडी। तो डब्ल्यू निकालो, डब्ल्यू हो गया बराबर एसी, बोलो एसी कितना है, एसी है, एसी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है टू, देखो ना टू, टू न्यूटन, तो यह हो गया टू इंटू सी डी, सी डी देखो यहां से यहां तक कितना थ्री, यहां से यहां तक कितना सेवन, सेवन माइनस थ्री कितना हो गया फोर इंटू फोर प्लस वन बाई टू, बोलो डीई, डीई डीई हो गया, डीई हो गया ओडी, ओ ई, ओ ई कितना है ट्वेल्व, माइनस क्या करेंगे ओडी, ओडी कितना है सेवन, हो गया ट्वेल्व माइनस सेवन वो कितना हो गया फाइव इंटू फाइव इंटू बी डी, बी डी हो गया परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर है ना बी डी, वो बिल्कुल टू के बराबर है इंटू टू, ये टू और टू कैंसल, डब्ल्यू हो गया बराबर फोर टू आर एट प्लस हो गया फाइव, डब्ल्यू कितना हो गया फिर थर्टीन जूल, एट फोर टू आर एट, टू आर टू कैंसल फाइव, बात समझ आई। कैसे मैंने किया, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इसको प्लस किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मगर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके बराबर है वर्क डन। तो जब भी आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया होगा, आपको वर्क डन निकालना है, आपको उसका क्या निकालना है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ।